Now I will show you a a video in which the initial contact with a client is being made. Uh, Neha, good morning. Good morning. morning. comfortable बैठो तुम कुछ बात करना चाहती थी मेरे से बताओ किस बारे में स्कूल के बारे में बताओ कैसे चल रहा है पढ़ाई ठीक चल रही है हम्म hmm. um, अच्छा स्कूल और पढ़ाई करने में अच्छा लगता है पढ़ाई करने में अच्छा लगता है तो सब्जेक्ट सारे अच्छे लगते हैं कौन-कौन सब्जेक्ट पढ़ती हो एसएसटी ज्यादा एसएसटी और और हिंदी हिंदी तो ये दोनों तुम्हें अच्छे लगते हैं लगता है हाँ और कोई ऐसे भी हैं जो नहीं अच्छे लगते या कम अच्छे लगते हैं मैथ्स साइंस मैथ्स और साइंस क्यों ज़्यादा समझ नहीं आते और बहुत अजीब लगते अजीब लगते हैं समझ नहीं आते हैं हा? हाँ अच्छा किस तरह से ज़रा बताओ फॉर्मूले और साइंस के जो होते हैं फॉर्मूले for, समझ नहीं आते क्यों अच्छा फॉर्मूले समझ नहीं आते हाँ और कुछ नहीं साइंस में साइंस में यही कि क्यों कैसे क्यों बना क्यों अच्छा उसमें मुश्किल होती है और सोशल स्टडीज और लैंग्वेज तुमको अच्छी लगती है हिंदी अच्छी लगती हाँ. है हा? उसमें कैसे मार्क्स आते हैं अच्छे अच्छे आते हैं अच्छा वो याद हो जाती है हाँ। साइंस में कोशिश करी कभी किसी की मदद लेने की हाँ। किसकी टीचर्स की आ, तो खाली टाइम होता तो टीचर्स के पास चली जाती हूँ अच्छा तो वो क्लियर कर देते हैं हाँ। फिर याद क्यों नहीं होता फिर भूल जाती पता क्या बोला था टीचर्स ने याद करने तो तो की कोशिश करते नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं तो जानना चाहोगी याद कैसे किया जाता है हाँ। तुमने क्या कोशिश की पहले ये बताओ पढ़ने की समझने की लेकिन दिमाग में नहीं घुसता दिमाग में नहीं घुसता ऐसा क्यों तुम्हारे ख्याल से क्या पता नहीं अच्छा तुमने कोशिश क्या की यही कि पढ़ने की, की जब भी खाली टाइम हो तो उसमें समझो क्यों नहीं है कैसे लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा अपने आप से हाँ तो क्या लगता है दिमाग में कि नहीं हो पाएगा नहीं ऐसा लगता आता है हाँ अच्छा कि कि मैं नहीं कर पाऊंगी हम्म ऐसा लगता है और और दूसरे बच्चे से कभी डिस्कस किया नहीं किसी से डिस्कस कभी नहीं किया नहीं अच्छा और जैसे हिंदी है सोशल साइंस है इसमें तो तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आते हैं क्या हाँ तो क्लास में भी पार्टिसिपेट करती हो हम्म अच्छा कितना समय देती हो इन सब्जेक्ट्स को हिंदी सोशल साइंस साइंस और मैथ्स जो तुम्हें खराब लगता है चार घंटे सभी के लिए एक घंटा निकाल देती एक घंटा सबको देती हो हाँ कभी कभी नहीं मिल पाता तो अगले दिन देती हूँ अगले दिन देती हो अच्छा और आ, एक घंटा तुम क्या करती हो फिर मैथ्स के साथ चलो जरा मुझे बताओ जो क्वेश्चंस टीचर्स करवा के रखते हैं तो उसको समझने की कोशिश करती हूँ कि कैसे फिर दूसरे क्वेश्चन ट्राई करती हूँ तो होते हैं और नहीं हो पाते तो फिर टीचर से पूछती क्यों कैसे नहीं करें फिर प्रैक्टिस करती हो हाँ हुँ? फिर भी क्लैरिटी नहीं हो पाती है नहीं अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि और लड़कियां तुम्हारे साथ की कर लेती हैं और तुम ही नहीं कर पाती हो कुछ मेरी जैसी है उनको भी नहीं समझ में आता अच्छा तो जो कुछ अच्छी भी हैं है हाँ। उनसे कभी डिस्कस किया हाँ। कैसे कैसे उनको कैसे आ जाता है वो हैं और खुद को कुँ थोड़ा उनके माइंड में जल्दी मतलब समझ में आने लगता है अच्छा तुम तो उन्होंने कहा ऐसा या तुम्हें लगा मुझे देख के लगता है मेरी फ्रेंड है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जो नहीं आता जल्दी से समझ पता नहीं Hmm? कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे मुझ में मैथ्स के लिए दिमाग कम है शायद <laughs> शायद मन में सोचती हो कभी ऐसा हाँ। तो आ, किसी और ने कभी कहा ऐसा कि तुमको नहीं आता तुम नहीं ऐसा नहीं टीचर्स ने कभी डिस्करेज नहीं किया नहीं अच्छा तुम्हें ही लगता है हाँ। अच्छा और ये लगता है कि उनको कोई ट्यूशन मिलती है इसलिए वो अच्छी है हाँ। और तुम्हें ट्यूशन नहीं मिलती इसलिए Huh? You saw in this video that the counselor was trying to be comforting, welcoming, using smile, eye contact, and pleasant voice greeting the client. And nothing more than that. No advice, no suggestions, and gradually the counselor asks questions which the client likes. About this child's likes, and gradually the client the, uh, was made to talk about what she does not like. So, the client is made comfortable, she talks about her likes, and slowly she starts talking about things she finds difficult. So, this is what counseling is involved. Generally, when clients are talking, they are not understanding their real problems in fact, in real life also, we do not really pay focus attention to our problem areas. let me give you an example. when you have to submit an assignment, only four days are left. but you in your mind are thinking, four days are left. when after that i have to submit my assignment, then a friend asks you, have you completed your assignment? and you say casually, four days are still left. i have enough time. Your friend says, No, four days are not left. Two days you have to spend in doing assignment of another teacher. One day you have to spend on some urgent other work, personal work, maybe a plan with friends. And then only one day is left. And you like a start, you realize that yes, the other person is correct. So, like this. We do not think about the problems that are bothering us very clearly. Similarly, our clients also, when they come to us with a problem, they are not paying focused attention to their problems. They are only thinking in a vague and distant manner about their issues. A counselor, through appropriate listening, interposing appropriate questions, by making them comfortable, Helps them to reflect on their problems clearly and think deeply. Like in this example, your friend helped you to think clearly about the time you have left with you to attempt the assignment. And uh, friends, these kind of comfortable situations, positive climate, helps a client to focus their attention. On their problems and gradually unravel the deep issues that are associated with the problem. So, this is how initial in rapport formation proceeds. This is the first phase of rapport formation. After that, you use other counseling skills like paraphrasing, confronting, etc. So, uh, today we discussed what rapport formation involves how during rapport formation you practice attending skills and you make the client comfortable and help the client to reflect on their problems by listening to them and asking appropriate questions